सो केम सो गाइस, तो आज है मेरी भारत सिंह यात्रा का 22वां दिन और मैं हूँ फिलहाल वाराणसी में। और आज हम लोग करने वाले हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन और नियर बाय जितने भी टेम्पल है उसके दर्शन करेंगे। कल हम लोग ने जो है यहाँ वाराणसी में इतना रश है यहाँ पर, तो कल हम लोग ने जो है यहाँ वाराणसी में जितने भी घाट थे उसके दर्शन किए, साथ में यहाँ जो बोट की सवारी थी वो हमने की और गंगा आरती का जो है दर्शन किए, साथ में मणिकर्णिका का जो घाट है वो मैंने गए वीडियो में दिखाया है, तो आप लोग ने वो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। तो फिलहाल बज रहे सुबह के 10 और हम लोग जा रहे हैं VIP गेट से। अगर आपको यहाँ पर VIP दर्शन करना है तो उसका जो कॉस्ट है 300 रुपीज़ पर पर्सन है, जहाँ से आप VIP दर्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर रश देख रहे हो, तो आगे जो एक गेट बना हुआ है मंदिर का और वो जो सामने आप देख रहे हो पूरी लाइन लगी हुई है मंदिर में जाने के लिए, वो फ्री लाइन है। तो देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी है, वहाँ तक लगी हुई है। आप देख रहे हो क्लियरली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो यहाँ आसपास में देख रहे हो यहाँ पर आपको सारे बैग के लॉकर्स के लिए, मोबाइल रखने के लिए सारे लॉकर्स के शॉप मिल जाते, तो यहाँ पर आप अपना जो है बैग फोन सारी चीजें यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर है गेट नंबर 4 जहाँ से हमें अंदर जाना है। मैं आ गया वापस बाहर, मंदिर के अंदर जो है वीडियो का फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन जो है लोग मोबाइल लेके गए थे। यहाँ पर एक मंदिर की तरफ से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बैग और मोबाइल रखने की सुविधा है, तो वहाँ पर जो है बैग और मोबाइल वहाँ पर मत रखना। अगर आप यहाँ पर स्टे करते हो तो होटल में जो है बैग और सारी चीज़ें रख के आइए और मोबाइल लेके जाइए, मोबाइल के लिए जो है कोई यहाँ पर प्रतिबंध ही नहीं है, आप मोबाइल लेकर जा सकते हो अंदर। लेकिन जो मेन गेट है मंदिर का अंदर की साइड में, तो वहाँ पर आप मोबाइल लेकर नहीं आ सकते, तो आप 4 नंबर या 3 नंबर गेट से अंदर जाओगे तो आपको जो है मोबाइल के अलग से एक काउंटर बना हुआ है, तो वहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हो। और मैं गया था मंदिर के अंदर तो गर्दी जो है बहुत ही ज़्यादा थी, तो हम लोग VIP दर्शन में गए तो हमारा जो है दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, क्योंकि जो है 11:30 बजे आरती स्टार्ट होता है, 11:30 से 12:30 जो है मंदिर बंद होता है, तो उस वक्त जो है लाइन रुकाई दी जाती है और उसके बाद जो है आरती होती है। जा रहा हूँ वापस यहाँ पे, हम लोग ने बाइक जो है पार्किंग पे रखा हुआ है और फिलहाल जो है बज रहे सुबह के 12, दोपहर के 12, तो फिलहाल जो है कुछ खाएंगे उसके बाद जो है आगे हम लोग जाएंगे काल भैरव मंदिर में, जहाँ पर हम काल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद और 2-3 मंदिर हमें घूमना है, पहले कुछ खा लेंगे। और यहाँ पे एक फेमस चाय वाला है जहाँ पर 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की चाय मिलती है, तो वो हम पिएंगे। फिलहाल चलते, हमें किधर जाना है, आगे इधर जाना है। हम पहुंच गए जहां पर हम लोग ने जो है गाड़ी पार्क की हुई है, तो यहां पर जो 2-व्हीलर पार्क करने के लिए एक अच्छी सुविधा बनाई गई है, तो यहां पर 3 से 4 फ्लोर का एक बड़ा सा बिल्डिंग है जहां पर आप अपनी 2-व्हीलर्स लेकर आते हो तो यहां पर पार्क कर सकते हो, और जो कॉस्ट है 2-व्हीलर्स पार्क करने का वो है 20 रुपीज़। तो ये जो पार्किंग है वो गाइज यहाँ जो डायरेक्शन लगा हुआ है सामने, और यहाँ एक पोल पे जो नंदी पैल है उसके राइट हैंड साइड पे आपको ये देखने मिलेगा, तो आप अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके आते हो 2-व्हीलर, तो यहाँ पर पार्क कर सकते हो। तो गाइज मैंने आपको बोला तो था कि यहाँ नियर बाय प्लेसेस दिखाऊंगा मैं, बट प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि जो भाई के साथ मैं घूमने आया था यहाँ पर, तो उस भाई को जो है थोड़ा सा काम आ गया, तो हम चले गए वापस घर पे। और घर से आते आते मुझे यहाँ पर 5 बज गए और देख सकते हो कि अभी जो है कितना अंधेरा हो गया, और मैं सारा सामान जो है वापस लेकर आया, क्योंकि मैं वहाँ पर रखता सामान तो मुझे वहाँ पर वापस जाना पड़ता था सामान लेने के लिए, और मुझे जाना है यहाँ नियर बाय प्लेसेस में,
अगर आप आते हो यहाँ पर घूमने के लिए तो आप यहाँ पर काल भैरव मंदिर, BHU जहाँ पर नया विश्वनाथ मंदिर है वो देख सकते हो, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर देख सकते हो, और दुर्गा कुंड है वहाँ पे, दुर्गा जी का मंदिर भी है तो आप वो भी देख सकते हो। ये चार चीज़ें आप देख सकते हो जो मैंने आपको बता दी। तो आप यहाँ से ऑटो करके सारी चीज़ें देख सकते हो, मैं नहीं देख पाऊँगा। ट्राई करता हूँ कि मैं काल भैरव मंदिर के यहाँ पर जाके काल भैरव मंदिर में दर्शन करूँ, देखते अगर कर पाया तो मैं थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूँगा, क्योंकि ये सामान मैं कहीं कहीं पर रख नहीं सकता। यहाँ पर मैंने पूछा लॉकर सिस्टम में जहाँ पर बैग रख सकते, तो उन्होंने बोला कि एक दो घंटे के लिए हम लोग बैग नहीं रखते, ऐसे ही आपको जो है प्रसाद खरीदना पड़ेगा वो 250 रुपये का। और एक जगह पे पूछा तो उसने मेरे को 100 रुपये बताया सिर्फ बैग रखने के लिए। तो मैं बोला जान दे भाई, 100 रुपये देने से अच्छा मैं सीधा स्टेशन चले जाता हूँ, रात को 2:30 बजे का मेरा ट्रेन है उज्जैन जाने के लिए, जहाँ पर हम लोग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, और ओंकारेश्वर जो वहाँ से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो वो दो ज्योतिर्लिंग मेरे बाकी है अभी। ये आज जो है मेरे 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन सक्सेसफुली हो गए। फिलहाल मैं वाराणसी काशीशन मंदिर के आसपास ही हूँ फिलहाल, तो अभी सामान लेके मुझे घूमना पड़ रहा है, और यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे काल भैरव टेम्पल है, तो वहाँ पर तो मैं भी बैग लेके घूम नहीं सकता। देखते कोशिश करते आजू बाजू में कोई मिल जाए बैग रखने के लिए तो जाके आएंगे, अभी तो बहुत टाइम और बचा है। अभी तो सिर्फ बज रहे शाम के 6 और 7 घंटा है, 7 से 8 घंटा। आई होप कि इस बार ट्रेन जो लेट ना हो, तो देखते कहीं पर बैग रखने मिलता है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं सीधा मिलूंगा आपको स्टेशन पे।